हेलो दोस्तों, मैं विमल इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो का टॉपिक है थ्रोटलिंग प्रॉपर। तो ये वीडियो में हम ये डायग्राम, एचएस डायग्राम और टीएस डायग्राम और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मदद से थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विमल टेक्नोएरिया वी चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल के वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी कोई फ्लूइड या फिर स्टीम किसी ऑब्स्ट्रक्शन पैसेज में से पास होती है तो वो स्टीम का प्रेशर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हो जाता है, मतलब कि उसका प्रेशर कम होता है। तो उसी प्रोसेस को थ्रोटलिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। सो व्हेन अ फ्लो ऑफ स्टीम अकर्स थ्रू अ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर द स्टीम इज सेड टू बी थ्रोटल, ठीक है। मतलब कि ये थ्रोटलिंग प्रोसेस को समझने के लिए हम ये डायग्राम कंसीडर करते हैं। तो ये डायग्राम में ये पाइप है, ठीक है, और ये पाइप के बीच में यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है, मतलब कि एकदम स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हाई प्रेशर फ्लूड एंटर हो रहा है। तो यहाँ से जब हाई प्रेशर फ्लूड एंटर होगा और ये हाई प्रेशर फ्लूड ये स्मॉल ओपनिंग में से जब पास होगा तो स्मॉल ओपनिंग में उसके बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से ये फ्लूड का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रेशर P1 प्रेशर से P2 प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन की जगह पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एडजस्टेबल वाल भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे कैपिलरी भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे कोई पोरस मीडियम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ वेंचुरी भी हो सकती है। मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन में फ्रिक्शन की वजह से उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो उसी को थ्रोटलिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। ये थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम यहाँ से फ्लूड एंटर होता है उसे स्टेट वन कहेंगे, और जहाँ पे ये फ्लूड ऑब्स्ट्रक्शन में से बाहर निकलता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसको हम स्टेट टू कहेंगे, ठीक है। तो ये थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए अगर हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज़ करें, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है वो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है H1 एट द स्टेट 1 1, H1 प्लस ये स्टेट वन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, स्टेट वन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी और हीट ट्रांसफर, और स्टेट टू पे इसकी एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी स्टेट टू पे पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अगर ये स्टेडी फ्लो एनर्जी को हम ये थ्रोटलिंग प्रोसेस में अप्लाई करें तो हमें पता है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में एक्सपांसन हो रहा है, मतलब कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये थ्रोटलिंग प्रोसेस ऐसी है कि एक्सपांसन होने की वजह से भी यहाँ पे कोई भी वर्क डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब कि वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। और ये थ्रोटलिंग प्रोसेस में ये जो पाइप है वो पाइप की वॉल इंसुलेटेड है, मतलब कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो। और ये थ्रोटलिंग प्रोसेस का ये जो डेटम लेवल है, ये पाइप का डेटम लेवल है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है, मतलब कि ZZ1 इज इक्वल टू ZZ2, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि डेटम लेवल हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये थ्रोटलिंग प्रोसेस में फ्लूइड जब एंटर होता है और फ्लूइड जब बाहर निकलता है तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, वो बहुत ही कम चेंज होती है, उसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा जीरो, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर द थ्रोटलिंग प्रोसेस बन जाएगा H1 इज इक्वल टू H2। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए एंथैल्पी भी हमेशा कांस्टेंट रहती है, H1 इज इक्वल टू H2। तो इसी की वजह से ये थ्रोटलिंग प्रोसेस को आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम HS और TS डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो ये HS और TS डायग्राम में ये P1 हायर प्रेशर है और ये P2 लोअर प्रेशर है, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये स्टीम का एक्सपेंशन किया जाता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसी तरह पे यहाँ पे भी P1 हायर प्रेशर है, P2 लोअर प्रेशर है, और यहाँ पे ये जो स्टीम है वो थ्रोटलिंग प्रोसेस में एक्सपेंशन किया जाता है, प्रेशर उसका डिक्रीज किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। और ये स्टेट 1 और स्टेट 2 के लिए हमने जो ABCD जो प्रोसेस बताई है वो किसके लिए है, क्योंकि ये स्टीम की अलग अलग कंडीशन यहाँ से एंटर होती है। तो यहाँ पे जो ए प्रोसेस है वो ए प्रोसेस में स्टेट 1 में से बहुत ही कम ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम को एंटर किया जाता है। तो यहाँ पे जब स्टीम एंटर होगी तो उसका प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन बहुत ही कम था और ये 2 स्टेट पे स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। और ये बी प्रोसेस के लिए हम देखें तो ज़्यादा अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम हम एंटर करें तो ज़्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम बन जाएगी ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम यहाँ पे, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम हम एंटर करेंगे तो वो स्टीम डायरेक्टली बन जाएगी सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। और यहाँ पे हम ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम अगर एंटर करें तो वो स्टीम भी बन जाएगी सुपर हीटेड स्टीम। इसी तरह से हम ये TS डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर हम सैचुरेटेड लिक्विड एंटर करें तो वो बन जाएगा हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन, ज़्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम। और ज़्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम हम एंटर करेंगे तो ये स्टीम बन जाएगी ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। और
अगर हम ड्राई एंड सैचुरेट एच टी में एंटर करते हैं तो वो बन जाएगी सुपर हीट एच टीम, ठीक है। मतलब कि ये जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो थ्रोटलिंग प्रोसेस में स्टीम की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। स्टीम वेट स्टीम में से ड्राई सैचुरेटेड स्टीम या फिर सुपर हीट एच टीम बन रही है, ठीक है। तो ये हो गया थ्रोटलिंग प्रोसेस, और थ्रोटलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जूल थॉमसन कोएफिशिएंट और इन्वर्जन कर्व जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए हमारा जो दूसरा जो वीडियो है वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।